दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई घटना के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद जनपद में TV9 के द्वारा एक रियलिटी चेक किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं, जहां पर पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुरादाबाद के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंची हुई है। फायर सेफ्टी टीम के द्वारा लगातार तमाम व्यवस्थाओं को कोचिंग इंस्टीट्यूट की देखा जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए ज्ञान प्रकाश शर्मा जी हैं। जी सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ चेकिंग की जा रही है यहाँ पे? जो जितनी कोचिंग चल रही हैं उनमें से फायर सेफ्टी अरेंजमेंट क्या क्या हैं और निकास मार्ग कितने हैं, इस चीज़ की चेकिंग की जा रही है। कई बार आपने देखा होगा कोचिंग्स में अप्रिय घटना घटी, एक्सीडेंट हुए हैं, तो बच्चों के लिए निकास मार्ग नहीं थे, निकलने के रास्ते नहीं थे, जिससे वो बिल्डिंग से तीसरी चौथी फ्लोर से कूदते हुए नजर आए थे। तो निकास मार्गों के भवन से निकास मार्ग और जो फायर इक्विपमेंट लगे हैं वो पर्याप्त मात्रा में कोचिंग के हिसाब से लगे हैं या नहीं लगे हैं, लगे हैं तो वो सही हालत में हैं या ख़राब हालत में हैं, इसकी फायर ऑडिट की जा रही है। और फायर ऑडिट को इनको जो कमी पाई जाएगी तो इनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और एक समय सीमा में कि भाई कराएँ, अगर नहीं कराएंगे तो बाद में इनको सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आप पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आपने चेक कराया है, अभी क्या कुछ समस्या यहाँ पे दिखी? इसमें फायर इक्विपमेंट जो है या तो एक्सपायर कर गए हैं और या फिर कार्यशील दशा में नहीं है, और निकास मार्ग भी एक ही पाया गया है जबकि एक निकास मार्ग की और आवश्यकता है। क्या सर इन्होंने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए NOC ले रखी थी या नहीं? नहीं, NOC नहीं ले रखी है और इनको फायर व्यवस्था स्थापित करने के लिए इनको नोटिस निर्गत किया जाएगा, एक समय सीमा के अंदर ये व्यवस्थाएं कराएंगे, अन्यथा इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। नहीं सर, अगर बात करें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ मानक है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए? हाँ, जो एजुकेशन बिल्डिंग है उसके हिसाब में अलग अलग व्यवस्था होती है, फ्लोर वाइज व्यवस्था होती है और हाइट के हिसाब से व्यवस्था होती है। तो इनका फ्लोर एरिया कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उस हिसाब से नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग इनमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट कराया जाता है। सर, मुरादाबाद में अगर बात करें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर NOC फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है? है, जिसके यहाँ व्यवस्था होगी ना उनको दी गई है, जिनकी व्यवस्था होगी उनको फायर NOC मिली है। अच्छा, आपके द्वारा अब तक कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुँचे हैं और कितना जो है तुम्हारा विभाग के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब इन पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी, उसमें जो नियम कानून है उसके तहत इनकी कार्रवाई की जाएगी। फायर व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, ये कोचिंग सेल भी हो सकते हैं। ज़िले में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपने अभी चेक करे हैं और कितने बाकी हैं जो चेक करने हैं अभी आपको? चेकिंग चल रही है, इसमें तो अभी डाटा है तो ये एकदम नहीं मिल पाएगा, लेकिन चेकिंग चल रही है लगातार। क्या कुछ अपील रही गार्जियन से और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे? गार्जियन से कहना यह है कि वो जिस कोचिंग में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं तो कम से कम भवन में ये देख लें कि भाई मेरा बच्चा इस मार्ग से आया तो है और निकलेगा किस मार्ग से कम एक दूसरा मार्ग वैकल्पिक जरूर हो। और फायर व्यवस्था उस बिल्डिंग में सब जागरूक हैं आजकल कि फायर व्यवस्था कुछ है नहीं है, तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए उनको। जिस संस्था में फायर व्यवस्था ना हो या जिसमें पर्याप्त निकासी मार्ग ना हो वहाँ अपने बच्चों को हटाना चाहिए। ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक हैं उनसे क्या कुछ अपील रहेगी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से? इनको यह है बच्चों के सुरक्षा के दृष्टि रखते हुए इसको तत्काल अल्प समय में जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है उनको पूरा कराएं ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके और उनका कैरियर आगे बढ़ सके। मुरादाबाद ज़िले में दमकल विभाग की टीम पूरी तरीके से अलर्ट है, जनपद के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचकर चेकिंग की जा रही है। आज TV9 के रियलिटी चेक में मुरादाबाद में FSO ज्ञान प्रकाश शर्मा जी से बात की गई है, जिनके द्वारा बताया गया है तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, जहां पर लापरवाही बरती गई है वहां पर कार्यवाही भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण सर, ये कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट है? पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। अभी फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है, कुछ कमियाँ पाई गई हैं, क्या कमियाँ थी और क्या नोटिस जारी कर रहे हैं इनकी तरफ से आपको? सर, अभी तो सर ने बताया है कि नोटिस जारी कर दिया गया, वो कल मिलेगा सर को। क्या कुछ कमियाँ थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? जो उन्होंने अभी बताया कि सिलेंडर की डेट निकली हुई है, इतना सिर्फ मुझे पता चला सर, और जो एग्जिट है बोल रहे थे कि दो होने चाहिए, वो एक मिला। सर, लापरवाही किस कारण से हुई है ये लापरवाही का तो सर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ाने आता हूँ। कितने बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं? सर, यहाँ पर हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे यहाँ स्टडी करते हैं सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक। तो एग्जिट नहीं है, व्यवस्था कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। मतलब एक एग्जिट गेट है, दो होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं लापरवाही हुई है। उस हिसाब से बोल सकते हैं।